गौतम बुद्ध नगर में कंपनी से सामान चोरी करने वाले दो चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से चोरी किए गए 50 नेकबैंड ईयरफोन और बिक्री के 2500 रुपए बरामद हुए हैं। ये थाना फेस टू नोएडा पुलिस को सफलता मिली है। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और दादरी विधायक तेजपाल नागर ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आमजन के लिए बनाए गए सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया। नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा 22वें अंतर एमिटी संस्थान खेल प्रतियोगिता संगठन 2021 का आयोजन किया गया था। लगभग एक माह चलने वाली विभिन्न 9 प्रतियोगिताओं में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए छात्रों ने हिस्सा लिया। संस्थापक दिवस समारोह में विजयी टीमों और छात्रों को पुरस्कृत किया गया। एमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने जीती संगठन 2021 की ट्रॉफी। मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को अयोध्या के दर्शन भी करवाए जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट का फैसला, एक महीने के अंदर तीर्थयात्रा बहाल होगी। नई दिल्ली में 2 दिन की शांति के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर उबाल आ गया। सरकारी तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 35-35 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 107.94 रुपये और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। दिल्ली में डेंगू का कहर, केंद्र सरकार के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हालत ये है कि डेंगू वार्ड में एक एक बेड पर 3-3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। एक ही स्टैंड पर 3-3 बोतलें लगाकर मरीजों को ग्लूकोज दिया जा रहा है। हालांकि इसी अस्पताल में मेडिसिन वार्ड में वायरल के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन वहां अधिक भीड़ नहीं है। नोएडा NIB चौकी के पास सड़क हादसे में दिल्ली के रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। मोड़ते वक्त ऑटो पलट गया, तब यह हादसा हुआ। नई दिल्ली में 1 नवंबर से प्राइवेट और सरकारी स्कूल सभी कक्षाओं के लिए कुछ शर्तों के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। कोई भी स्कूल बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि पढ़ाई ऑफलाइन और ऑनलाइन चले। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ये निर्देश दिए हैं। नोएडा अथॉरिटी के दस्ते से सेक्टर 121 अजनारा सोसाइटी में सुबह सुबह तोड़ी दुकानें पीड़ितों को न्याय दिलाने पहुंचे। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राम कुमार तनवर व अनिल यादव, फिरे नागर, ललित अवाना, अनुपम ओबराय व अन्य कांग्रेसी। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बतिया कॉलेज और अस्पताल के 100वें वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस उपलक्ष्य पर एयर फाउंडेशन की मदद से बनाए जा रहे दिल्ली सरकार के 100 बेड के मेक शिफ्ट अस्पताल का शिलान्यास किया और कहा कि ये नया अस्पताल कोरोना के विरुद्ध हमारी इस लड़ाई को और भी मजबूत करेगा। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की संयुक्त टीम द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र में अवैध रूप से वाहनों की कटान करने वाले 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेटर नोएडा में आज ग्रेनो वेस्ट की पंचशील ग्रीन सोसाइटी में सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने के विरोध में धरने पर बैठे थे लोग। मेन गेट को बंद कर दिया गया था। एंट्री एग्जिट एक ही गेट होने की वजह से लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया। जस्टिस RV रविंद्रन करेंगे पेगासस जासूसी कांड की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई इन 6 लोगों की एक्सपर्ट कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस स्पाईवेयर मामले की जांच का आदेश दिया। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज